हाय स्टूडेंट जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। हाय स्टूडेंट और आज की क्लास में लोग जानने वाले हैं कि मार्कशीट बनाते समय स्टेटस और डिवीजन कब और कैसे निकाला जाता है, इसको निकालने के लिए किस किस फॉर्मूले का यूज किया जाता है, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले। तो सभी लोग ध्यान देना थोड़ा। पहले तो यह समझिए हम लोग काम निकालेंगे क्यों, क्या इसका रीजन है। देखो सबसे पहले मैं बता दूं, काउंट हम लोग का गिनना, ठीक है, आप लोग को पहले, ठीक है। अब काउंट हेडिंग हम क्यों दिए है समझिए, ये काउंट हेडिंग हमने दिया है, हम ये गिनना चाहते हैं कि जो हमारे सब्जेक्ट से लेके और आर्ट, ठीक है, तो जाहिर सी बात है सब कितने नंबर के, 100 नंबर के, ठीक है। इसलिए हमने पूरा पूर्णांक इसका दिया है, तो हम काउंट इस मार्कशीट में, या ऐसा नहीं केवल हाई स्कूल में, ठीक है, चाहे इंटरमीडिएट का निकालो, चाहे ग्रेजुएशन का निकालो, या अगर किसी क्लास का निकाल रहे हो, ठीक है, वहां पे काउंट वैसे कंडीशन में निकाला जाता है जब हमको गिनना हो कि जितने सब्जेक्ट दिए गए हैं उसमें से कोई ऐसा भी सब्जेक्ट है कि 35 से कम नंबर पाया गया, अगर पाया गया है तो कितने में पाया है, वो गिन के अगर पता करना हो तो उसके लिए लोग काउंट हेडिंग देके और काउंटी फॉर्मूले करके इसको निकालते हैं। जैसे आप बताइए यहाँ पे हिंदी में नंबर पाया है 96, यहाँ पे 36, 35, 35, 32, 52 में, अगर मैं यहाँ पे देखूं हिंदी से लेके और जितने हमारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इन्होंने कितना नंबर पाया है, ठीक है, 32 नंबर पाया है, मतलब लेस देन 33, और 35 से कम नंबर इन्होंने पाए, ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या माना जाता है, जो पास किया जाएगा, ठीक है, कम से कम नंबर कितना होना चाहिए, 33, बोलो सौ में कितना होना चाहिए, 33, तब वो पास होगा रहता उसको फेल माना जाएगा। हम यही गिनना चाहते हैं कि जो तो 6 सब्जेक्ट में इन्होंने एग्जाम दिया है कितने सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर पाया, अगर किसी में नहीं पाया है तो गिन के बता दो यहाँ पे 0, अगर 1 में पाया है तो बता दो 1, ठीक है, 2 में पाया तो बता दो 2, अगर सब में कम पाया तो बता दो 6, तो जितना बार 33 से कम नंबर पाएगा उतना बार वो गिन के काउंटिंग बढ़ता है, ठीक है, और सब्जेक्ट कितने 6 है हो जाएगा लास्ट में 6 तक जाएगा, ठीक है। तो यह गिनने के लिए हम लोग काउंट फॉर्मूले और काउंटी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, तो समझो हमें बस चेक करना है कि 33 से कम नंबर है कि नहीं है, कितना नहीं है, 0 है। मान लो आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो मैं पूछ सकता हूँ ना कोई ऐसा सब्जेक्ट है क्या तो फेल हो, बताओगे जी सर इसमें फेल है, तो तुम्हें कितना नंबर है तो बताओगे इसमें कम है, इसीलिए फेल माना जाता है, ठीक है। तो वही हम डिसाइड करना चाहते हैं, तो देखने से तो पता चल ही रहा है लेकिन गिनते रह जाएंगे, देखो इसमें लगभग एक है, सेकंड वाले में लगभग कोई नहीं है, थर्ड वाले में नहीं है, इसमें भी नहीं है, क्या नहीं इसमें है, देखो राहुल पांचवें नंबर पे, इसके बाद भी और मिलेंगे, कैसे काउंट करने में टाइम लगता है, फार्मूले से दो निकल के चलाते हैं, ठीक है। और क्यों निकालेंगे ये रीजन में बताऊंगा, पहले निकाल के मैं दिखा रहा हूँ। तो चलिए बहुत सिंपल है, इसके लिए करिए क्या, इक्वल करिए, लगाइए काउंटिंग, इक्वल काउंटिंग, ब्रैकेट को ओपन, इक्वल किया काउंटिंग टाइप किया, लिखना मत मैं लिखवा दूंगा, एक्सेल में लिखवाता हूं कहां कैसे किया जाता है, पहले समझ लीजिए आप, इक्वल करना है, काउंटिंग करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो जो इसका सिंटेक्स है, सिंटेक्स मतलब कहाँ पे क्या लगाना है और जो पूछा जाता है उसे बोलते हैं सिंटेक्स है। तो इसके सिंटेक्स में सबसे पहले देखो पूछा जा रहा रेंज, तो जब भी काउंटिंग फॉर्मूले का यूज करें और वहां पे पूछेगा रेंज, तो समझ जाओ वो रेंज बताना है जिसमें हमको कंडीशन लगाना है, तो हमको कंडीशन किसमें लगाना है, सब्जेक्ट में, हिंदी से लेके आर्ट तक जितने सब्जेक्ट, ठीक है, मतलब जितने वैल्यू में आपको कंडीशन लगाना है उतना वैल्यू आपको सेलेक्ट,
एक फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेंगे अरविंद दो दिल्ली से लेके और आ बस ये रेंज हो, मतलब मुझे इसमें से गिन के बताओ क्या तुकामा पूछ रहा क्राइटेरिया। तो हम लिखेंगे डबल वर्ड कामा के अंदर लेस देन डबल वर्ड कामा क्लोज, ध्यान देना इक्वल काउंटी ब्रैकेट ओपन। पहले पूछ रहा था रेंज, तो किस रेंज में कंडीशन लगाना हो, मैंने सेलेक्ट किया कामा कर दिए क्राइटेरिया, पर इस रेंज में कंडीशन क्या है आपका, क्या पूछना चाहते हो, क्या मुझसे चाहते हो। तुमने बोला गिन के बताओ क्या लेस देन 33 33 से कम नंबर है तो गिनिए, नहीं है तो जीरो बताइए, बस ब्रैकेट पर इंटर। क्या पाले में है बोलो, है तो क्या आना चाहिए आप, आ रहा है बस दूसरे में क्या आना चाहिए जीरो, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, हाँ चलो ठीक। मतलब हम नहीं गिने, वो फार्मूला गिन के बता दिया, बस हम उसको समझा दिए कि बाबू इतने एरिया में से यह वैल्यू हमको फाइंड करके बता। तो चेक किया है हर एक रेंज में, जितने स्टूडेंट है सबका वैल्यू चेक किया है, ठीक है तो चेक किया है, तो जहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है, मतलब 33 से कम नंबर नहीं मिला है तो आप जीरो 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 बता दिया है, जहाँ पे दो में मिला है तो आप देखो टू बता दिया। देखो इस वाले में एक में 25 पाया है साइंस, मुझे समझाने में टाइम लग रहा है ना, लेकिन आप लोग अगर मेनोली गिनो तो ठीक है, तुरंत निकालो तो तुरंत निकल जाए, ठीक है और आप लोग आसानी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए अब सवाल यह कि सर आपको बता दिए निकालेंगे कैसे, लेकिन क्यों निकाल रहे हैं, तो आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ का रूल है कि अगर एक सब्जेक्ट में अगर कोई फेल होता है ठीक है उसको हम सप्लीमेंट्री के अंदर क्या करते हैं पास कर देते हैं स्टार, फिर से अगले क्लास में जा सकता है उसका एग्जाम बोलो, लेकिन जब दो फेल हो तो फेल मार, तीन में हो तो फिर मान। तो हम काउंट इसीलिए निकाले हैं कि हम स्टेटस पता करते हैं कि वो लड़का पास है या फेल है, मतलब अगर किसी में 33 से कम नंबर नहीं है तो वहां पे आएगा पास पास पास, जिसमें वन है वहां पे आएगा सप्लीमेंट्री, जहां पे टू है वहां पे आएगा, मतलब इसी काउंट के सहारे लोग याद करते हैं कि वो लड़का पास या फेल है। कई लोग 60% 70% 80% वैसे ही लगभग 26 30 60 जाएगा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे होंगे, अभी मैं बता रहा हूं पहले नोट कर लो इसको।
काउंटीज। इक्वल काउंटीज और यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे रेंज कामा क्राइटेरिया, ब्रेक इट ओपन। या क्या है सिंटैक्स, इक्वल करेंगे फिर से लिखेंगे काउंटी। अब किसमें क्या लेंगे यह समझा रहे हैं, तब पूछ रहा रे तो लिखेंगे सेलेक्ट ऑल नंबर जहां तक आपको कैलकुलेशन कर काम क्राइटेरिया में डबल इवेंट काम लेस देन 33 बंद। लिख ले बाबू। अब देखिए इसका केवल यही पे यूज नहीं है, बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इसको। तो एक हम और इसी पे एग्जांपल देते हैं, समझ लेना उसके बाद से इस्तेमाल करते रहो। बताऊं? चलिए जैसे सपोज यहां पे हमने अकाउंट निकाल दिया। कई बार ऐसा होता है जब हम डाटाबेस बनाते हैं, शुरुआत में पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया था, अब्सेंट प्रेजेंट लीव निकालना, याद है आपको। तो सपोज मान लो हमने अटेंडेंस चढ़ाया है, पी लिखा है, ए लिखा है, फिर से पी एल पी पी ई ऐसे टाइप किया और यहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप, और लगभग यह हमने दो चार दस दिन का अटेंडेंस चढ़ा के रखा है। अब हमसे कोई पूछ दे यहाँ पे कि बाबू आज सपोज जो डेट है वो 8 ही है, सपोज नहीं है ही, दे दिया, और आज का डेट का हमसे कोई हिसाब किताब मांग रहा है कि आप बता दीजिए कि आज के डेट में कितने स्टूडेंट पढ़ने आए हैं, कितने मतलब प्रेजेंट हैं, कितने अब्सेंट हैं और कितने लीव हैं, छुट्टी पे हैं। तो आप बताओ क्या करोगे, आप लोग खुद बताइए क्या करेंगे, आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 भूल जाएगा तो अच्छा है, कहाँ तक थे जी 7 8 9 10 11। अब बताएंगे कि टोटल प्रेजेंट की संख्या है 11, अब्सेंट की संख्या है पता नहीं गिनना पड़ेगा, लिव का ये भी चेक करना पड़ेगा। मतलब अगर हेडिंग हम बना दें ऐसे तो हमको गिनना पड़ेगा बार बार, लेकिन वही अगर निकालना चाहते हैं बहुत इजीली तरीके से तो बस क्या करिए आप, इक्वल लगाइए काउंटी, ब्रैकेट ओपन। अब पहले क्या पूछ रहा बाबू, रेंज। तो हमने क्या बताया आपको, रेंज में जिसके हिसाब से हमको डाटा फाइंड करना है, गिनना है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट कर लेंगे, हो गया, कर देंगे कामा। अब पूछ रहा क्राइटेरिया क्या निकालना है आपको, टोटल प्रेजेंट कितना है,
टोटल अब्सेंट कितना है, टोटल लीव कितने हैं। अब हम करेंगे डबल उड़े कामा और लिख देंगे पी, मतलब हमको उस एरिया में से क्या खोजो पी, और खोज के मत बताना पी, बताना कितना बार ये लिखा गया, ठीक है। तो बस क्या करेगा, पी को खोजेगा, गिन लेगा, और गिन के उसके बाद हमको रिजल्ट बता देगा कि प्रेजेंट की संख्या 11। अब बताओ, अभी टाइम लगा हमको गिनने में, बोलो। अगर दूसरे में मैं आता हूं तो इसमें भी गिनना पड़ेगा, टाइम लगेगा, बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, सबका आ जाएगा। आपको सबका 11 11 है, क्यों है, क्योंकि हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। तो चलो यहाँ पे प्रेजेंट की जगह हम अब्सेंट कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं लीव। अब देखो इसमें चेंज होगा, मतलब यहाँ पे 8 तारीख में 11 लोग आए थे, 9 में 9, 10 में 11, ऐसे आ जाएगा सबका। ऐसे प्रेजेंट निकालना है तो अब्सेंट क्या करोगे, इक्वल काउंटिंग ब्रेकेट ओपन। अब थोड़ा लॉजिक समझ में आ रहा होगा, रेंज तो रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, कहां तक है मुझे भी नहीं पता है कितना है, कामा डबल एंड कामा क्या लिखेंगे, ए, मतलब ए को काउंट करो, गिनो जहां पे भी हो, खोज के बताओ उस रेंज में से। 5 लोग हैं, अब इसमें हम थोड़ा सा घाटा बढ़ा देते हैं, हम कर देते हैं पी, यहां पे कर देते हैं पी, यहाँ पे जो अब्सेंट है वहां कर देते हैं लीव, यहाँ पे भी कर देते हैं हम लीव, ऐसे मतलब चेंज होके पता चले आपको। क्लियर है, तो आप लोग आसानी तरीके से इसको चेक कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, बस फार्मूला लगाइए और बताइए कैसे इसको कैलकुलेशन करना। बोलो, तो ये तो मैंने बता ही दिया, सिंटेक्स लिख ही दिए, इसमें क्या सेलेक्ट करेंगे वो ले लेना। तो सेलेक्ट आल नंबर लिखा हूं, वहां पे लिख सकते हो सेलेक्ट आल रेंज, आल डाटा, मतलब जो जैसा कंडीशन आएगा वैसे लेना, इसमें किसी कोई दिक्कत। तो यूं कह लो, अगर एक शब्द में बताना तो क्या बताओगे, कि काउंटिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल वहां पे करेंगे जब कंडीशन के आधार पर हमको गिनना, क्या काउंटिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल हम वहां पे करेंगे जहां पे कंडीशन के आधार पर हमको गिनना है। मतलब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है तो हम काउंटिंग नहीं लगाएंगे, काउंट से काम चल जाए, ठीक है। मतलब जहां पे कंडीशन है, इतने स्टूडेंट है, इसमें से रोहन कितना बार लिखा गया, अगर यह कंडीशन हमारे सामने दे दी गई तो हम वहां पे काउंटिंग लगाएंगे। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन नहीं है, पर बता दिया रोहन चाहे मोहन मोहन जो भी हो, बस गिन के बता दो कितना है, तो वहां पे हम काउंट लगा के चेक, ठीक है। और ऐसा बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता, अब मैं बहुत ज्यादा एग्जाम्पल क्यों दूं, क्योंकि आपको ये लॉजिकल पता चल गया है कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये समझ लो किसी कंपनी में हमारे बहुत सारे अकाउंटेंट, बहुत सारे सेल्समैन है, कुछ सुपरवाइजर है, कुछ नॉर्मल वर्कर है, कुछ सेल्समैन है, और पूरे लोग का डाटा है, और हमारा मालिक कह दिए बाबू पूरे डाटा उसे बताओ हमारे अकाउंटेंट कितने काम करते हैं, लगा सकते हो। सुपरवाइजर कितने लगा सकते हो, ठीक है, नॉर्मल हमारे वर्कर कितने लगा सकते हो, मतलब कंडीशन जहां पे आए और गिन के बताने की बात करे तो वहां पे क्या कर सकते हो, काउंटिंग फॉर्मूले का यूज करो। मान लो हमारा ये समझो जीआरटी वाला, तो कुछ लोग सॉफ्टवेयर ट्रेनर है, और सॉफ्टवेयर ट्रेनर लोग क्या जो पढ़ाता है क्लास, तो बोलते हैं सॉफ्टवेयर ट्रेनर, बोला सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग है, ठीक है। और कुछ लोग लैब टीचर है, ठीक है, कुछ मैनेजमेंट वाले है, तो सबका रिकॉर्ड हमने बना दिया है, और सर बोले क्लास चेक करके बताइए तो सॉफ्टवेयर ट्रेनर कितने हैं, तो हमारा नाम लिखोगे, और नाम लिखने वाले वहां पे पोस्ट लिखोगे डेजिग्नेशन क्या है हमारा, लिखोगे सॉफ्टवेयर ट्रेनर है सर्वे सर, सॉफ्टवेयर ट्रेनर है डाटा, उसके बाद से कुंदन सर लैब टीचर है, तो जो भी है वहां पे बनाने के बाद से क्या करोगे, निकाल दोगे, बोलो हो जाएगा ना। चलिए बहुत हो गया, ज्यादा बताया तो समझ नहीं, तो चलिए इतना पहले निकालिए, आप आगे बढ़े। अगला है स्टेटस, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि थोड़ा लंबा जाएगा, खूब लंबा, ठीक है, दिमाग भी लंबा लगाना पड़ेगा। तो चलिए आते हैं, स्टेटस निकालते हैं, स्टेटस मतलब क्या, इसके बारे में चर्चा किए थे हम, बोलिए
परसों का कुछ ना कुछ स्टेटस तुम लोग होगा, को फोटो पोस्ट किए होगे, ठीक है, मतलब स्थिति बता रहे हो, ठीक है, वैसे प्रेजेंट टाइम में क्या स्थिति चल रहा है, ठीक है, अब चाहे वो कोई त्योहार हो या आपकी लाइफ की बात हो, ठीक है, तो आप लोग स्टेटस के माध्यम से वो स्थिति बताते हो, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे स्टेटस हमको अब मार्सिक में कैसा स्टेटस चाहिए, अब बोलो, कोई कहता मार्सिक में हमको स्टेटस दिखाना है तो वहां पे क्या दिखाओगे, हाल चाल कैसा है, नहीं क्या मतलब है, पास है या फेल है, मतलब एग्जाम दिया तो पास या फेल यही पूछा जाएगा, ठीक है, तो यही हम लोग निकालने वाले हैं। तो चलो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे लॉजिकल फंक्शन, क्या लॉजिकल फंक्शन लगाना है, इक्वल लिखेंगे इफ, क्या लिखेंगे इफ, इक्वल इफ, मतलब इफ मतलब यदि, पढ़े हो ना आप लोग, मतलब यदि ऐसा हो तो ऐसा बताइए, और यदि ऐसा हो तो ऐसा बताइए। अब कैसा हो चलिए समझते हैं, जैसे हमने बोला कि अगर काउंट इक्वल, सुनो समझ लो, हमने यहाँ पे सवाल किया इनसे इफ, मतलब इफ इसीलिए लगाए हम लोग, ठीक है, कंडीशन इसीलिए दी है कि इफ अगर काउंट इक्वल जीरो हो तो उसको दिखाना क्या आया, पास, ठीक है। फिर इफ सम कंडीशन देंगे, अब बताएंगे काउंट इक्वल वन हो उसको बताना यस की सप्लीमेंट्री, अगर काउंट इक्वल टू हो तो फिर बताना, और उसके बाद से चाहे थ्री हो चाहे फोर हो चाहे फाइव हो चाहे, मतलब इफ पूछेगा कंडीशन, आपका कंडीशन क्या है तो बताएंगे काउंट इक्वल जीरो तो पास कर देना, काउंट इक्वल वन तो सप्लीमेंट्री में रख देना, और काउंट इक्वल टू थ्री फोर फाइव सिक्स जितने हैं उसके बाद से आएगा तो क्या कर देना, फेल कर देना। तो इफ कहता है जितना कंडीशन लगाना है उतना बार हमको बुलाना पड़ेगा, ठीक है, एक लगाना है तो एक इफ लगाइए, दो कंडीशन लगाना तो दो इफ लगाइए, और दो से ज्यादा लगाना है तो जितना लगाना है उतना बार लगाइए, और आगे बढ़ता जाएगा जहां तक लेके जाओगे वहां तक जाएगा। तो ज्यादातर हम वो कंडीशन नहीं लेते हैं, दो से तीन चार पांच देते, इससे ज्यादा नहीं देते। कैसे देंगे ध्यान से सुनना, तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, पूछ रहा लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट मतलब आप टेस्ट क्या करना चाहते हो, ठीक है, कंडीशन आपका क्या है, तो मेरा कंडीशन क्या है, काउंट इक्वल जीरो, हम बता दिए टेस्ट करो, ध्यान दो इसको हमने बोला इफ फॉर्मूले के सारे, टेस्ट करो काउंट इक्वल जीरो मींस अगर काउंट के सेल में जीरो आता है, ठीक है, कामा, तो वैल्यू इफ ट्रू, अगर जीरो आ जाए तो क्या दिखाना है, ठीक है, अगर सत्य हो जाए तो क्या दिखाना है बताइए, कौन बताया, पास दिखा दे, डबल वर्ड का मकंद, फिर से करेंगे काम, फिर से पूछ रहा वैल्यू इफ फाल्स, अगर पास ना हो तब, आप बोलो, हमने बोला कि यदि आईडी कार्ड पहन के आओगे तो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, मेरा पहला कंडीशन क्या है कि आईडी कार्ड लगा के आना है, तो चेक करेंगे हम कि आईडी कार्ड गले में है कि नहीं, है तो मेरे क्लास में आओ, और नहीं है तो क्लास से बाहर जाओ, यहाँ से में यही कंडीशन है यहाँ पे भी, अगर काउंट इक्वल जीरो तो पास कर दो, अगर नौ आए तो क्या कर दो, तो अभी तो कंडीशन हमारा ज्यादा है और इस क्लास वाला एक ही था, तो कंडीशन दूसरा क्या है, सप्लीमेंट्री वाला, इसीलिए हम और आगे बढ़ाएंगे इसको, लिखेंगे फिर से इफ, कर कोई बात नहीं, यदि दूसरा कंडीशन अगर आपका क्या हो, फिर से सेलेक्ट करेंगे काउंट इक्वल वन, मतलब दूसरा कंडीशन चेक करो, काउंट इक्वल वन पाए तो क्या कर देना, सप्लीमेंट्री में रख देना, डबल का बंद काम, फिर से लास्ट में फिर से पूछ रहा है वैल्यू ही फाल्स, अगर ये दोनों कंडीशन सत्य ना हो तो इसको फेल कर देना, मतलब हमारा दो ही तो खोजना है,
जीरो खोज दो तो पास कर दो, वन खोजो सप्लीमेंट्री कर दो, अब चाहे टू आ चाहे थ्री आ चाहे फोर आ चाहे फाइव आए, सबको क्या करना है, फेल ही करना है। इसीलिए अब इससे ज्यादा कंडीशन बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ ध्यान रहे, लेकिन अगर छ सब्जेक्ट है और छ पे कंडीशन अलग अलग है तो छ बार इफ लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे दो ही कंडीशन के हिसाब से सबको फाल्स ही दिखाना है, इसीलिए दो ही से काम चल जाएगा। और लिखेंगे क्या, डबल विल कामा फेल। अब देखो इफ कितना बार ओपन किया, तीन बार, दो बार, तो दो बार बंद करेंगे, एक दो, मतलब जितना बार इफ को ओपन करेंगे, मतलब जितना बार ब्रेकेट ओपन करेंगे लास्ट में उतना बार क्लोज करेंगे। आपको सर कैसे पता चलेगा कि हम कितना बार ओपन किए हैं, तो समझ जाओ जितना बार इफ ओपन करोगे गिन लेना, तीन इफ लगाया हो तो तीन बार बंद करना, चार लगाया तो चार बार बंद करना, ठीक, एक लगाया तो एक बार बंद करना। हाँ अगर गिनना नहीं चाहते हो तो लगाते जाना ब्रेकेट लास्ट में, शुरुआत में कलर चेंज होता जाएगा और लास्ट में जिस कलर से स्टार्ट हुआ है उसी कलर से क्लोज हो जाएगा, मतलब गिनना नहीं चाहते हो तो। जैसे मैंने यहाँ पे दो इफ लगाया तो देखो फर्स्ट वाला ब्लैक से स्टार्ट हुआ है, परेशान मत होना, सही हो जाएगा, वहां पे यस नो का ऑप्शन आएगा, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। हम कर देते इंटर, तो देखो फर्स्ट पे क्या आया, हम कुछ नहीं किए हैं बस बता दिए इसको गिन लो बता दो, तो पहला कंडीशन चेक किया क्या मिला वन, इसलिए क्या बता दिया जी बस ड्रैग एंड ड्रॉप, बता दिया। मतलब रियल में जो आप लोग हाई स्कूल इंटर जो एग्जाम दिए हो और जो रिजल्ट आता है कुछ ऐसा ही लोग बनाते इतना मेहनत करके, तब आप रोल नंबर डालते हो और आपका रिजल्ट आ जाता है, पास हो फेल हो, फर्स्ट डिवीजन है सेकंड डिवीजन है, टोटल कितना नंबर है, बस फर्क इतना है कि वो लोग ऑनलाइन कराते हैं और हम गांव ऑफलाइन करते हैं। लेकिन फार्मूला जो लगते हैं ना इफ एल सब ये लगेगा, लेकिन वहां पे कोडिंग करते समय लोग लगाएंगे और हम मैनुअली लगाएंगे, ठीक है। बस फर्क इतना ही है, काम करने का तरीका उनका भी वही है हमारा भी वही है, कि हाँ वो कोडिंग सीखे हैं, कोडिंग के माध्यम से वो कोशिश करते हैं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर जगह तो मान लो वो तो निकलता है केवल साल में एक बार, उसको हमेशा निकालेंगे काम जहाँ पे करेंगे, तो ऑनलाइन कोई स्टोर करना नहीं है, ऑफलाइन डाटा स्टोर कर रखना है, इस स्कूल में काम कर रहे हैं हर जगह काम कर रहे हैं तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। जरूरी है कि ये फॉर्मूला जो पढ़ाया हूँ स्टेटस निकालने के लिए प्रयोग करेंगे, बहुत ज्यादा काम देगा, कहाँ कहाँ देगा वो हम लोग एक एक करके सीखेंगे, पर ये समझ आया कि नहीं कर लोगे, चलिए बहुत अच्छा, तो बताइए एक बार हम लगा रहे हैं। इक्वल क्या लगाए इफ, पूछ रहा लॉजिकल टेस्ट क्या करें, किसको सेलेक्ट करें काम, क्या करें इसके बाद काम, इक्वल क्या लगाए जीरो, मतलब हम बता रहे हैं कि बाबू चेक करो काउंट इक्वल जीरो काम, अगर काउंट इक्वल जीरो पाए तो वैल्यू इफ ट्रू, क्या करें इसको पास कर दो तब काम, फिर से पूछ रहा है वैल्यू इफ फाल्स, अगर जीरो न पाए तो हम चाहते तो फेल कर देते, लेकिन क्या करता उसके बाद वन आ जाए टू आ जाए थ्री आ सबको क्या कर देता है फेल कर देता, लेकिन हमारे ऐसा चलता नहीं है रूल, मान लो है रूल तो क्या कर दोगे लिख दो यहीं पे फेल, आगे बढ़ने की जरूरी नहीं है, बस इंटर, पहले फेल हो गया बस, पास कौन होगा जीरो वाला, सब फेल ही होंगे,
देखो वो आप चेक करिएगा क्या करना है, फास्ट में लास्ट में बताइएगा, ठीक है ना, कुछ ना कुछ सजा मिलेगा ही लास्ट में, वही देना है आपको। तो हमको तो अभी देना नहीं है, इसलिए हम हटाते हैं इसको, डबल क्लिक करके कर रहे हैं और लगाएंगे फिर से इफ ब्रैकेट ओपन, क्या लगाऊं, लॉजिकल टेस्ट, किसको सेलेक्ट करूं, काउंट इक्वल वन कम डबल एड कामा, क्या कर दू, लिख लो फेल होते होते पास हो गया, मतलब जो लिख दोगे वही आएगा, मतलब यह नहीं समझ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, हम समझ रहे हैं कि पास का मतलब होता है क्या, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है क्या, आप फेल का मतलब होता है क्या, एक्सेल का तो जो कहोगे वही मैं दिखाऊंगा, ठीक है, हम लिख देंगे निकम्मे हो किसी काम के नहीं हो तो वही आएगा, ठीक है, फिर और मेहनत करो, ठीक है, लिख के देखना तुम लोग, चलो लिख दे, लिख लो और मेहनत करो, कैप लॉक ऑन करो, नहीं तो बहुत पीटोगे, बस लास्ट में काम आ, उसके बाद कर दो फेल, इसके लिए कोई चांस नहीं है, ब्रैकेट क्या कर दें बंद, लो नहीं तो नहीं लिखा हूं ना, कोई बात नहीं लिख देना, ठीक है, यहाँ पे और मेहनत करो, नहीं तो बहुत पिटोगे, अब आए इंटर, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपका रूल जो भी हो या कहता जो बताओगे वही मैं करूंगा, ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहां से भी कर सकते हैं फार्मूला बार, और लिख दिया एसपी, बस आ जाएगा बाबू, पहले लिख लो इसको, इक्वली सिंटेक्स लिखवा रहा हूं, लॉजिकल टेस्ट काम पहलू इफ फाल्स काम पहलू इफ ट्रू काम पहलू इफ फाल्स, यह सिंटेक्स है, किसमें क्या लेना मैंने बता दिया, अब हम फार्मूला बता रहे हैं कैसे लगे, इफ सेलेक्ट काउंट इक्वल जीरो कामा वैल्यू ट्रू डबल एड कामा पास कामा इफ ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट काउंट इक्वल वन कामा डबल कामा यस पी कामा उसके बाद से आए तो फेल ब्रैकेट बंद बस।